मैं निभाता रहा हूँ युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से बीए बीएड बीएससी बीएड या बीएड कर रहे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। बीए बीएड फर्स्ट ईयर यानी इंटीग्रेटेड बीए बीएड फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट का फॉर्म मैंने लाइव भर के आपको बताया था। कुछ जो स्टूडेंट है या युवा है उनका कमेंट था कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे, उसका क्या प्रोसेस है। तो आज मैं आपको बीए बीएड सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट का फॉर्म आपको लाइव भर के बताऊँगा और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने जो जो डॉक्यूमेंट बीए बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर या फोर्थ ईयर या एमएड या बीएड वाले स्टूडेंट जो भी है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में जमा कराने हैं उसके संबंध में विस्तार से एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है, वो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। तो सबसे पहले जैसे आपको गूगल में जे एन आर व्यास विश्वविद्यालय या जे एन वी यू यूनिवर्सिटी जोधपुर सर्च करना है और जैसे ही सर्च करेंगे ये जे एन आर व्यास विश्वविद्यालय की जो साइट है वो आ जाएगी। अब यहाँ आपको ऑप्शन है एग्जाम फॉर्म 2022-23, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको क्लिक करने पे यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसमें फॉर जे एन वी यू कैंपस के लिए है, रेगुलर एक्स के लिए, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए अलग है। अब यहाँ जैसे एफिलिएटेड कॉलेज रेगुलर एक्स यानी जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज है उनके स्टूडेंट के लिए जो बी बी एड के फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में क्लिक ये टू फिल रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म। अब यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है, पूरी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताई भी थी। अब इसमें जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं यानी बी बी एड फर्स्ट ईयर का तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और नया जो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं और आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको दो ऑप्शन हैं आपके पास में, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, दोनों में से कोई भी आप इंटर करें या जैसे ये रोल नंबर से इंटर करें या रजिस्ट्रेशन नंबर से और उसके बाद में आपको यहाँ जो भी कैंडिडेट है स्टूडेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ इंटर करनी है। कैलेंडर से सेलेक्ट करके आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ इंटर करनी है और जैसे ये डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आगे आपको प्रोसीड करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से जैसे कैलेंडर से आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में यहाँ से लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैं इसको दोबारा थोड़ा सा ये वापस इसको खोल के बता रहा हूँ, आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको सबसे पहले तो सही तरीके से आपके या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दोनों में से कोई भी इंटर करके यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके। अब यहाँ जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके ऑलरेडी फीड आएगी क्योंकि फर्स्ट ईयर का आपने जो फॉर्म भरा था उससे सारा डाटा है वो लगभग मैं ये फैच हो रहा है जिसमें स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, हिंदी में नाम, माता का नाम और कैटेगरी है, जन्म तारीख है और जो भी धर्म है, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, ये सारी डिटेल्स ऑटो आ रही है। अब इसमें जैसे कि अनाथ है, शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर लघु है तो यस अन्यथा इसको वैसे रहने देना है और 10वीं का रिजल्ट है, 12वीं का रिजल्ट है जो पिछले साल भरा था वो ऑटो आ रहा है। बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें जो भी भरी थी वो भी यहाँ आ रही है। अब यहाँ से आपको अगर कोई चेंज करना चाहें तो आप इसको यहाँ अपडेट पर करें और यहाँ कोई चेंज नहीं करें तो आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर सही है तो आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से जैसे मैट्रिक्स की पढ़ाई का विवरण 10वीं 21 साल में की, कौन से बोर्ड से की, कितने अंक थे जैसे 600 में से 424 थे, इसी तरह से 12वीं है क्या क्या विषय थे और किस किस बोर्ड से की कितने नंबर आए थे, ये सारी है आपको यहाँ से जैसे एक बार सेव कर लें या आगे एक रिकॉर्ड सेव, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे जो भी गत साल आपने एड्रेस वगैरह वगैरह भरा था अगर वो एड्रेस में कोई चेंज नहीं है तो आपके एड्रेस ऑटो आ रहा है और इसमें कोई भी चेंज अगर आप करना चाहें तो यहाँ से आप एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से चेंज करके आप इसको सेव कर सकते हैं और उसके बाद में जैसे कोई चेंज नहीं है तो इसको मैंने वैसे सेव कर लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे आपको जो स्टूडेंट का गत साल फोटो अपलोड किया था वो फोटो भी शो हो रहा है, हस्ताक्षर भी यहाँ साइन भी शो हो रहे हैं। अब इसमें एक ऑप्शन जो पिछले साल जो मार्क लिस्ट शो की थी जो भी थी वो यहाँ जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ जो गत साल 12वीं की मार्क लिस्ट अपलोड की थी वो यहाँ शो हो रही है, लेकिन इस बार आपको यहाँ जो इसमें लिखा हुआ है कि अपलोड लास्ट ईयर मार्क लिस्ट, तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ये स्टूडेंट का सेकेंड ईयर है तो फर्स्ट ईयर की जो मार्क लिस्ट है वो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ से आप जो भी जहाँ भी आपने मार्क लिस्ट को डाउनलोड करके रखा हुआ है गैलरी में या जहाँ भी आपको डाउनलोड किया हुआ है वहाँ से स्टूडेंट की जो मार्क लिस्ट है वो आप यहाँ से अपलोड कर लें। और जैसे मैं यहाँ से ये पीडीएफ के रूप में ये मार्क लिस्ट है और इसकी जो साइज़ है वो 500 KB तक होनी चाहिए और यहाँ से सेव पर क्लिक कर लें। अब जैसे डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली यानी ये मार्क लिस्ट अपलोड होगी। अब इस मार्क लिस्ट को आप दोबारा देखना चाहें डाउनलोड करके एक बार चेक कर लें कि आपने जो अपलोड किया वही हो, जैसे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ये बीए बीएड इंटीग्रेटेड जिसकी फर्स्ट ईयर की मार्क लिस्ट है
ये मार्क लिस्ट आपने अपलोड कर ली। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये रिजल्ट प्रीवियस ईयर का ये भी आपके ऑटो आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सारी डिटेल्स यहाँ, जैसे 2022 में एग्जाम दिया था, मैक्सिमम मार्क्स 950 थे, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ आ गए, ड्यू पेपर कोई है तो यहाँ, जैसे नहीं है तो जीरो आ गया, रोल नंबर यहाँ ऑटो आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, और यहाँ नंबर ऑफ अटैम्प है, जैसे नंबर ऑफ अटैम्प पहला ही अटैम्प है तो एक कर लें, और उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसको सेव कर लें, और सेव के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करें, ये आ गया रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल्स स्टूडेंट की शो हो जाएगी, पिता का नाम, माता का नाम, डिग्री, यहाँ जैसे डिग्री उपाधि है बी ए बी एड और बी ए बी एड सेकेंड ईयर का फॉर्म इस साल भर रहे हैं, इंटीग्रेटेड बी एड विषय समूह, और जन्म तारीख आ जाएगी, रेगुलर आ जाएगी, और इनरोल्ड के लिए है तो अगर जैसे इनरोल्ड गत साल हो चुका है तो आप इसको आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ दो पेपर है, वो ऑप्शनल जो आपके कंपलसरी है वो यहाँ शो हो रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन और स्कूलिंग सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी, ये 5201 और 5202 पेपर कोड है। ये थ्योरी के जो दो पेपर है ये कंपलसरी है। अब जो एनी थ्री ऑफ फॉलोइंग यानी पिछले साल जो पेपर थे उनमें से ही आपको सेलेक्ट करना, तो पिछले साल जैसे यहाँ हिस्ट्री के दो पेपर सेलेक्ट थे, हिंदी साहित्य के थे और पॉलिटिकल साइंस के थे, जो भी फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट थे वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ लिखा होगा इफ़ यू हैव ड्यू पेपर प्लीज़ क्लिक हियर, अगर आपके कोई पेपर ड्यू है फर्स्ट सेमेस्टर का तो यहाँ आपको क्लिक करना है, अगर ड्यू नहीं है तो यहाँ से आप इसको अनक्लिक करें या अनबॉक्स कर लें, और यहाँ से कोई ड्यू पेपर तो यहाँ लिस्ट आ जाएगी, नहीं है तो उसको आप वेरीफाई पेपर्स को करना है, यहाँ एक बार चेक कर लें कि पेपर सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो वही हो जो गत साल हो थे, और यहाँ वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है, और ये जैसे वेरीफाई हो गए अब यहाँ से एडिट का ऑप्शन ये ख़त्म हो गया। अब ये हिंदी लिटरेचर के दो पेपर और हिस्ट्री के और पॉलिटिकल के जो भी विषय हो वो आगे, और यहाँ से आपको सबमिट करना है। अब जैसे यहाँ मैसेज आ रहा है कि आर यू श्योर टू सबमिट द फॉर्म, क्या आप श्योर हैं इस फॉर्म सबमिट करने के लिए, आफ्टर द सबमिशन ऑफ यू कैन नॉट मॉडिफाई एनी पर्सनल डिटेल, या मॉडिफाई करने मतलब सबमिशन के बाद में आप किसी भी पर्सनल डिटेल एड्रेस या डॉक्यूमेंट डिटेल को मॉडिफाई या बदल नहीं सकते, इसलिए अच्छी तरह से कन्फर्म हो उसके बाद ही यहाँ पे ओके आपको क्लिक करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स सब्जेक्ट वगैरह आपने सही सेलेक्ट किया तो यहाँ ओके पे आपको क्लिक करना है, और ये आगे रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपके फॉर्म एग्जाम फॉर्म यहाँ शो हो जाएगा जिसमें दो कंपलसरी सब्जेक्ट्स और उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी तीन सब्जेक्ट थे, दो दो पेपर यानी छः पेपर ही हो गए और दो आठ पेपर हो गए। अब इसमें यहाँ जैसे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है एकदम सही है तो, उसके बाद ये प्रीव्यू आएगा फॉर्म का जिसमें स्टूडेंट का नाम, हिंदी में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एग्जाम डिटेल्स यहाँ गत साल की आ जाएगी, कॉलेज का नाम आ जाएगा किस कॉलेज से है, यहाँ सेमेस्टर या ईयर बी ए बी एड सेकेंड ईयर आ जाएगा, और बैंक डिटेल्स आ जाएगी, और यहाँ दसवीं के रोल नंबर वगैरह ये आ जाएंगे, बारहवीं के रोल नंबर डिटेल्स जो गत साल भरी थी वो सारी ऑटो आ रही है। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ एड्रेस शो हो जाएगा, एड्रेस आपके ओके है, फोटो आ जाएगा, साइन आ जाएगा, जो मार्क लिस्ट आपने अपलोड की है वो यहाँ आ जाएगी। अब इसमें जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है यहाँ भी यहाँ शो हो रहा है, जैसे अकेडमिक ईयर 2021-22 मार्क्स टोटल 950 में से कितने थे, 660 थे, और ड्यू पेपर जीरो है, और रिजल्ट है पास। अब इसके आगे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये सारी जानकारी आपके सही है, उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने ये पेपर्स की डिटेल्स शो हो जाएगी, जो 5201 और 5202 दो जो अनिवार्य पेपर थे, इसके अलावा ये तीन विषय के दो दो पेपर, छः पेपर कुल मिला करके छः दो और दो आठ पेपर आपके हो जाएंगे, और डिग्री ईयर इसमें आ जाएगा बी ए बी एड सेकेंड ईयर, अगर थर्ड ईयर का फॉर्म भरेंगे तो आपके यहाँ थर्ड ईयर आ जाएगा। अब इसमें एग्जाम फीस जो डिटेल्स है तो उसमें एग्जाम फीस 1000 रुपये, एनरोलमेंट फीस 30 रुपये, और मार्क लिस्ट फीस 50 रुपये और कुल 1080 रुपये, इसके अलावा एडमिट कार्ड फीस 25 और ऑनलाइन फॉर्म फीस 300 रुपये, कुल 325, और इसमें 1405 रुपये इसकी फीस हो रही है, और इसमें लिखा हुआ है आई विल नॉट क्लेम एनी रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस फॉर्म फीस टू बी डिपॉजिटेड बाय मी इफ़ आई एम डिक्लेयर फेल, अगर मैं फेल होता हूँ, फेल घोषित होता हूँ तो मैं किसी तरह की फीस वापसी की मांग नहीं करूँगा। यहाँ से आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको पे नाउ पर क्लिक करना है, और पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ आपके सामने ऑनलाइन ऑप्शन भी है, ऑफलाइन है, आप जैसे ऑनलाइन से पेमेंट करना है तो यहाँ ICICI बैंक ऑफलाइन है और यहाँ ICICI बैंक ऑनलाइन है, तो यहाँ से जैसे मैं ऑनलाइन ICICI से कर रहा हूँ, और ये 1405 रुपये का पेमेंट आएगा, इसमें कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, और इसमें लिखा हुआ है कि UPI से पेमेंट नहीं करें क्योंकि UPI पे थोड़ी सी समस्या आ रही है। अब जैसे मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लें, और यहाँ जैसे 1405, और इसमें प्रोसेसिंग वगैरह नहीं आ रहा है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर आ रहे हैं, पेयर में नेम में आप पेयर को जो भी स्टूडेंट का नाम आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ जैसे
रुपये कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो अदर कार्ड, डेबिट कार्ड को भी कार्ड है तो आप यहाँ से ये कार्ड सेलेक्ट कर लें और प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपको जो भी आपका डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल्स यहाँ शो करनी है, यहाँ एंटर करनी है, जिसमें आपके जैसे नाम आ जाएगा, कार्ड होल्डर, कार्ड के नंबर, एक्सपायरेशन वो मंथ है और ईयर आ जाएगा एक्सपायर का, और सीवीवी नंबर यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ मैं कार्ड की डिटेल्स एंटर करके आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आपने सारी डिटेल्स यहाँ एंटर कर ली, उसके बाद में कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में इस पेज को आपको न तो बैक दबाना ना रिफ्रेश करना है। ये पेमेंट पेज पे जाएगा और यहाँ से आपके जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर आपके OTP आएगा। अब OTP एंटर करके पेमेंट करना है। अब जैसे यहाँ OTP आ चुका है तो मैं यहाँ OTP एंटर करके आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ जैसे OTP एंटर करेंगे और यहाँ मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में ये कुछ सेकंड का समय लेगा पेमेंट का, और ये आ गया कि यू सेंड एनीवे, इस पर आपको क्लिक करना है, और ये आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर पेमेंट सक्सेसफुली डन, क्लिक हियर टू कंटिन्यू। तो ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको जैसे ये लॉग आउट हो गया तो आप उसको दोबारा यहाँ से लॉग इन कर लें, क्योंकि कई बार लॉग आउट हो जाता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से। यहाँ से जैसे आपने लॉग इन कर लिया, और लॉग इन करने के बाद में आपको यहाँ से जो भी आपके नंबर है उससे आपको लॉग इन कर लेना है, और मैं उसके बाद में इसके जो भी फॉर्म्स वगैरह है वो सारे डिटेल्स यहाँ, और जैसे मैं लॉग इन हो गया, ये यहाँ से आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, इसी पे आपको सीधा क्लिक करना है। अब यहाँ से एक तो आपको एग्जाम फॉर्म डाउनलोड करना है, ई पेमेंट रिसिप्ट आपको डाउनलोड करनी है, और एनरोलमेंट फॉर्म ये आपको डाउनलोड करना है। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ से डाउनलोड कर लें। अब जैसे ये एनरोलमेंट फॉर्म यहाँ से ये डाउनलोड हो गया, इसको आप एक बार अच्छे तरह से देख लें। उसके बाद में यहाँ से आपके जो ये और जो चालान और फॉर्म जो दो थे वो भी आपको यहाँ से डाउनलोड करने थे। तो मैं जैसे यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ डाउनलोड कर रहा हूँ, और ये पेमेंट रिसिप्ट, ये जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म है ये खुल जाएगा आपके, और पेमेंट जैसे ये एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, इस पर आपके जैसे ऑफिस कॉपी हो गई, स्टूडेंट की सारी डिटेल्स आ जाएगी, 10वीं 12वीं इस साल के पेपर आ जाएंगे, और ये पूरा आ गया। इसके बाद में यहाँ जो सेकेंड भाग इसका है, इसमें स्टूडेंट कॉपी है, तो एक ऑफिस कॉपी होगी, एक स्टूडेंट कॉपी होगी, BA BEd सेकेंड ईयर, टोटल फीस यहाँ 1405 रुपये, और ये पूरी डिटेल्स आ गई। इसके बाद में जैसे पेमेंट जो आपने किया था उसका चालान की कॉपी भी यहाँ कॉलेज में जमा करानी है, तो ये कॉलेज कॉपी हो जाएगी चालान की, ऑनलाइन पेमेंट चालान, जिसमें स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, और ये ट्रांजेक्शन नंबर आ जाएंगे, पेमेंट डेट आ जाएगी, मोबाइल नंबर वगैरह आ जाएंगे, ये कॉपी हो जाएगी कॉलेज की, और ये स्टूडेंट की कॉपी हो जाएगी। तो दोनों प्रिंट करके आपको जमा करानी है, और ये पूरा आवेदन पत्र की रसीद है, ये यहाँ से इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको प्रिंट करके इसमें लिखा हुआ भी है कि कृपया ई पेमेंट रसीद की 2 कॉपियाँ प्रिंट करके एक कॉपी फॉर्म के साथ संबंधित फैकल्टी में जमा कराएँ, और दूसरी कॉपी अपने पास रखें। तो ये हो गया पेमेंट का, आपको मैंने पहले बता दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ से, और इस को आप कभी भी यहाँ से डाउनलोड कभी भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म, ई पेमेंट रिसिप्ट और एनरोलमेंट, इन तीनों को डाउनलोड करके इनकी एक कॉपी अपने पास रखनी, और 2 कॉपी या जो भी कॉलेज में मांगे उसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको अलग से वीडियो बना करके बताई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ में जमा कराने, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से प्रिंट निकाल करके अपने कॉलेज में जमा करवा लें, ताकि ये प्रोसेस पूरा हो जाए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी कि किस तरीके से BA BEd सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गत साल के मार्कलिस्ट की एक PDF बना करके आपको रखनी है, बाकी सारी डिटेल्स ऑटो गत साल से फैच हो रही है, उसमें आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं लगेगी। 2 मिनट में आप पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।